सुमित्रा उमित्रा, एक बारी में बेहोश हो जाओगे जिंदगी भर के लिए। ज्यादा थ्योरी हो रही है, क्वेश्चन करवा दियो। नौकर नहीं हो पहली बात, रिक्वेस्ट से बोला करो प्लीज। और दूसरी बात, जब मेरी मर्जी होगी तभी बताऊंगा, अभी पहले सुन ले इसको। ये कह रहा काम डाउन प्लीज। बेटा इतना आसान नहीं होता है जब आपका सारा फोकस किसी टॉपिक पर हो, ठीक है, और आप उसको कुछ बेटर वे में समझाने की कोशिश कर रहे हो और बीच में कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाने, इतना आसान नहीं होता है। आपको अगर आपका कोई दोस्त, ध्यान सुनना, बोलने वाली बात है लेकिन फिर भी बोल ही देता हूँ, आपका कभी दोस्त आपको कभी उल्टा फुल्टा बोलता है ना, कभी कभार पूरी रात भर दिमाग खराब रहता है, ठीक है। लोगों को बहुत आसान होता है ये बोलना कि सर स्कैमर है, छोड़ दो। छोड़ना चाहिए, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी। लेकिन कभी कभार ना कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो लगते हैं भाई दिल पर, ठीक है, उसको इतनी आसानी से कोई अवॉइड नहीं कर पाता है। आप खुद सोचो, आप फेसबुक इंस्टा विंस्टा जो भी चलाते होगे, अगर कोई रैंडम बंदा आके तुम्हें उल्टा फुल्टा बोले तो तू, हो सकता है एक बार वो करे, दो बार करे, तीन बार करे, लेकिन इरिटेट तो करेगा ही ना वो तेरे को। स्कूल में भी ऐसे कई बच्चे होते हैं बुली करते हैं दूसरे को, तुम स्कूल में एंटर कर रहे हो फालतू में तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम भले ही चुप हो लेकिन इरिटेट तो करते ही है ना। और एक पॉइंट होता है जब तक आप उस चीज को सह सकते हो, कभी कभार आप भी ब्रेक होते हैं। तो आपका ये बोलना मैं समझ रहा हूं, आप मैच्योरिटी साइड से बोल रहे हो कि सर छोड़ दो, लेकिन भाई हर बार ऐसा नहीं हो पाता ना, हर बार ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। और कई बार कुछ लोगों को वैसे बोल के ही समझाया जा सकता है और कोई उनका रास्ता नहीं होता है, जरा ये समझना। अगर मैं आपसे